औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरबान में झांका नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दूं कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और नवरात्र का महीना चल रहा है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, लिहाजा आप सभी लोगों को नवरात्र और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। आइए बात शुरू करते हैं आरती से। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह की आरती के वक्त बड़ा भक्तिमय वातावरण था और इस मौके पर किस तरह का वातावरण था आप इसे फील कर सकते हैं। सुबह की आरती की कुछ खास तस्वीरें हमें भेजी गई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज नवरात्र के दूसरे दिन किस तरह से भगवान की आरती उतारी गई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दिल्ली से वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी में उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन भी कराए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी कराई गई। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मैथन में प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर आज एक लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया और इस लीगल अवेयरनेस कैंप में हाई कोर्ट के जजेस खास तौर से मौजूद थे। उनके साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम भी मौजूद थे। इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ इस विषय पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और जागरूकता को लेकर सभी ने अपनी बातें रखी और इससे कैसे बचा जाए इसे लेकर भी इस सेमिनार के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान
दौरान बातचीत की गई। आपको दिखा रहे हैं ये खास तस्वीरें। প্রথমে আমি মাধবের জাস্টিস স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এইরকম একটা ওনাদের ইন্টারেস্টের মতো আজকে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা আয়োজন করা হয়। আমি যখন স্যারের কাছ থেকে জানলাম যে উনি নিজে ফিল করেছেন যে এই পার্টিকুলার জায়গা যেটা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য একটা আর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন, এখানে অনেক জায়গা থেকে অনেক লোক আসেন এখানে, তো এই জায়গাতে যেরকম কিছু কিছু আমরা ইনিশিয়েটিভ নিলে পলিউশন কম করার সুযোগ আসছে, ওই সুযোগের জন্য খুব বেশি কাটছি না, আমাদের মধ্যে একটা সার্কেল কাটলে কাজ হয়ে যাবে। আমি আপনাদের সবাইকে এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসনকেও আমি প্রায় উঠে আসছি, ঘুরে ঘুরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প অত্যন্ত সময়োচিত এবং প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক। এবার আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে এই ক্যাম্পেইনটাকে একেবারে গ্রাসরুট লেভেল অব্দি নিয়ে যেতে হবে। মাইক্রোন প্লাস্টিক মুক্ত হোক, সঙ্গে আরও সারা পশ্চিমবঙ্গে প্লাস্টিক মুক্ত হোক, পলিউশন মুক্ত হোক, এটা আমরা চাই। এবার আমার দুটো প্রস্তাব আছে, যদি এটা করা যায় এই ধরনের প্রোগ্রাম অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আপনারা এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে কি বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি। তার আগে বলি আমরা আজকে ডিএলএস এর তরফ থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ডিএলএস এমন একটি অথরিটি যেখানে আপনারা বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে পারেন। আপনাদের কোনো আইনি সমস্যা, পারিবারিক কোনো সমস্যা বা জমি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা, যে কোনো সমস্যায় আপনারা যেমন তার মধ্যে আমাদের স্পেসিফিক গাইডলাইনস অনুযায়ী সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, যেটা আমাদের পুরোপুরি 31 ডিসেম্বর 2022 মধ্যে ব্যান করার কথা। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा में पलारपुर शमशान काली मंदिर के निकट एक मेला लगा हुआ है और इस मेले में 3 युवकों की पिटाई यहां के ग्रामीणों ने इसलिए कर दी कि ये 3 युवक महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे थे, यहां की जो स्थानीय युवतियां थी उनसे छेड़छाड़ में लगी थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पिटाई कर दी 3 युवकों की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हो गया, लिहाजा निरसा के SDPO पीताम्बर सिंह खैरवार को पुलिस के साथ यहां पहुंचना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हो पाया। पीताम्बर सिंह से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की। होगा हम लोग करेंगे और यहाँ पर भविष्य में इस तरह के और कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो किसी प्रोग्राम में, उसके लिए कैसे हम लोग को आगे करना है, यहाँ पर कैसे शांति व्यवस्था स्थापित रहेगा और चंद लड़कों के लिए माहौल ना बिगड़े। अभी दोनों समुदाय का पर्व त्योहार का मौसम है और इसमें समुदाय ना उलझे और अधिक लोग इस माहौल को अपना रोटी सेकने के लिए काम ना करें, इस पर हम लोग विशेष नजर रखेंगे और जो दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर।
धनबाद जिले के निरसा में मैथन स्थित मल्लिकापुर में एक डिपो है, श्री कृष्णा कोक एंड कोल डिपो। इस डिपो से आज फिर 50 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई टन अवैध कोयले यहां से जब्त किए जा चुके हैं। यहां के अंचल अधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी अभियान इससे पहले भी चलाया गया था और बाजाब्ता प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोयला माफियाओं के हौसले कम नहीं हुए और आज फिर गुप्त सूचना के आधार पर मैथन पुलिस के प्रभारी दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया और इस छापामारी अभियान के तहत 50 टन अवैध कोयले जब्त किए गए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्टिंग की, आपको हम दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर मलय गोप की रिपोर्ट। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल, जो जानी मानी फैशन डिजाइनर भी हैं, उन्होंने आसनसोल के दुकानदारों के बीच जाकर किस तरह का संदेश दिया और क्या कहा, आइए कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आगे मिल के गए हम, आगे मिल के गए हम। संजय जी एक तो देखी और भगवान का आशीर्वाद आओ। बोले पीछे अरे बोटी बीजेपी काटी हसन तोले रे बोटी बीजेपी काटी अनमोल এটাই তো আসানসোলের মজা, 40-42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দরদর করে ঘামছে মানুষ, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ ভালোবাসা শুভেচ্ছা। কেউ তরমুজ খাওয়াচ্ছে, কেউ লেবু খাওয়াচ্ছে, আসানসোলের মেয়েকেই চায়। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইভাবে এই অলিগলিতে ঘুরে প্রচার করতে পারবেন বলে মনে করছেন আপনি? দেখুন, উনি সেলিব্রিটি মানুষ, বলিউডের সুপারস্টার, উনি একটি 5-star হোটেলে, 4-star হোটেলে উনি আছেন, এসি ঘরে উনি আছেন, উনি অবশ্যই কাজ করছেন, কর্মী সম্মেলন করছেন, কিন্তু রোদে বেরোতে পারছেন না, আসলে অভ্যস্ত নয় তো। আমি জানি না, 12 তারিখের পরে আমার ওনার কাছে প্রশ্ন, উনি যদি হেরে যান, মানে উনি হেরে তো যাবেনই, উনি কি টিএমসিতে থাকবেন নাকি আবার অন্য কোনো দলে যাবেন, আপ বা আমাদের শিবসেনা, বলিউডের তো উনি, শিবসেনা থেকে কি জয়েন করছেন একটু ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন। পয়লা বৈশাখের আগে শাড়ি দেখলেন, কেমন লাগলো? শাড়ি তো একটা কিনতেই হবে, পয়লা বৈশাখ এখানে থাকলো একটা, মানে কি বলবো, ছোটবেলায় দেখেছিলাম মাকে স্নান করে পুজো দিয়ে কটন ছাপা শাড়ি পরতে, তো ওইটা একটা ইচ্ছে আছে। এতদিন তো ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছি, ডিজাইনার শাড়ি পরতাম, কিন্তু এখন তো মানুষের সাথে মিশে গেছি, আসানসোলে এসে পয়লা বৈশাখ কাটানো এটা বোধ হয় খুব কমই হয়েছে। এবারে খুব স্পেশাল, 12 তারিখে ভোটের পরে বানপুর বাজার।
चुनाव प्रचार का दौर काफी तेज हो गया है और यहाँ का सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव होना है 12 अप्रैल को, इसे लेकर विभिन्न दलों की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान में काफी तेजी आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल, जो खुद को आसनसोल की बेटी बताकर प्रचार कर रही हैं, आज बर्नपुर स्थित इस्को अस्पताल पहुंची और इस्को अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। इनका कहना है कि उनके पिता श्री अशोक राय इसी अस्पताल के डॉक्टर थे और कई सालों तक उन्होंने यहाँ सेवा दी है, लिहाजा इस अस्पताल से उनका एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और क्या कहा, आइए देखते हैं। छोड़िए ना उसका मन সাথে দেখা করতে, তাদের আশীর্বাদ নিতে। বাবা তো এখানে কাজ করতেন বহু বছর, বাবা ইসকো ডাক্তার ছিলেন। এখানকার যারা আছেন স্টাফ তাদের সাথে একবার দেখা করতে, ভোটের জন্য আশীর্বাদ নেওয়া। আসানসোলের মেয়ে তো সবার আশীর্বাদ চাই, সবার ভালোবাসা চাই, সবার শুভেচ্ছা চাই, তাই দেখা করে গেলাম। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों के प्रार्थी लगातार विभिन्न जाति के लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा ने ईसाई समाज के बीच भी समय गुजारे। आसनसोल के रविंद्र भवन में ईसाई समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर कानून मंत्री मलय घटक भी मौजूद थे, दूसरे नेताओं की मौजूदगी भी इस मौके पर देखी गई। आइए देखते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा। अभी आप लोग सोच सकते हैं, हम लोग जो रिलीजियस का लड़का लोग है, जो पॉलिटिकल में किसी को सुबह से करना है, कारण आप लोग पूछेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा रिलीजियस लीडर्स लोग हैं, हम लोग धर्म संभालने वाले लोग हैं। अभी बहुत लोग समाजवादी पार्टी के और बहुत ही विजनरी लीडर हैं अनुराग भदौड़िया जी, लाल टोपी में इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी बहुत संघर्ष करते हैं आप लोगों के लिए और ये भी जहां जहां जा रहे हैं प्रचार प्रसार में इन सारी बातों को और यहां की समस्याओं को और समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। ये हम भी आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं। तो विधायक बनाए इसका आगे मैं आसनसोल दक्षिण का तरफ तक, उसका नाम था हीरापुर, तो मैं हीरापुर का विधायक थे, तब हम लोग अपोजिशन में थे, सीपीएम का जमाना था, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से 2011 से মমতা ব্যানার্জি ने चीफ मिनिस्टर बनी। হিরে আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে এবং এই চলে যাওয়ার পরে আপনি কোন দলে জয়েন করবেন? আপ শিবসেনা।
ওনার পার্টিতে আমি অনেক বছর ছিলাম এখানে, আমি জানি পার্টি আগে ছিল, ডেমোক্রেটিক সেট আপ ছিল এখানে, অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাদের ফাদার ফিগার, ওনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি। এখন দুই সিটের পার্টি ছিল কেন্দ্রতে, তাহলে এসে জয়েন করেছিলাম, আর পার্টি আমাকে নিষ্কাশিত করেনি, আমি পার্টি ছেড়ে চলে এসব চলে এলাম। কেন কেন কি ওইখানে লোকশাহী ছিল, এখন আজকে পার্টিতে একবারে দম অহংকার আর সাথে তানাশাহী হয়ে গেছে, সেই জন্যে আমি এসেছি। আমার সেইটা ফিতরত নয়, আমি এখন এক্সপ্লেন করেছি মমতাজিকে আমি কত ভালোবাসি, উনি আমাকে ভালোবাসেন, ওনার বিহেভিয়ার সেম পে নোটবন্দি আগে মমতাজি বলেছিলেন, তারপর আমি বলেছিলাম, আমি এখনও সব এক্সপ্লেন করেছি এখানে। আর জানা ওনাকে তো আমি চিনি না, উনি মাস্ট বি নাইস পার্সন, সব ভাই। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं आसनसोल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में। यहाँ खास तौर से कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी, और उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में वोट देने की अपील यहाँ के लोगों से की, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कई तरह के निर्देश दिए पार्थ चैटर्जी ने। मानुषे संगे कथा बोले देखे स्थिर विश्वास सांगठनिक शक्ति आ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিভিন্ন প্রকল্পে যারা সুযোগ পেয়েছেন, তারা নিশ্চয়ই তাদের পরিবারকে নিয়ে এই সর্বনাশা রাষ্ট্রবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সত্যগণ সিনহা মহাশয়কে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়যুক্ত করবেন। আমাদের কর্মীদের কাছে আমার আবেদন, কোন রকম প্ররোচনায় পা দেবেন না, শান্ত গণতান্ত্রিকভাবে ভোট হলে আমরা এবারে সরকার গঠনের সময় কিছু বলেন যে আমরা 10 বছর ধরে শুধু সামাজিক প্রকল্পের উপরে গুরুত্ব দিয়েছি, এবার আমাদের লক্ষ্য শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান, আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি এবং এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলি আছে তাকে আরও সজীব করা, জঙ্গল মহলের রঘুনাথপুরে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে উঠছে তাকে ইতিমধ্যেই ব্যাপক সারা পাওয়া গেছে এবং বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ। অন্যদিকে যেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই আমাদের লক্ষ্য, সেখানে বিজেপির সরকারের কর্মচ্যুতি ঘটানোই লক্ষ্য, যা কিছু ছিল তা বেঁচে দাও। এই বেঁচে দেওয়া সরকারের বিরুদ্ধে আসানসোলের লোকসভার উপনির্বাচনে আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহাকে জয়যুক্ত করবার লক্ষ্যে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দাদা রাজ্য জুড়ে প্রতিদিন বিরোধীদের যে